बिजली विभाग से जुड़े कई समस्याओं को लेकर भाकपा माले ने डांडी दी स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरडी विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और एपुआ नेत्री प्रीति भास्कर ने की। इस दौरान अपने संबोधन में नेताओं ने कहा कि गांडे के जबरदाहा गांव के बरमसिया टोला में ट्रांसफार्मर जलने के कारण 4 साल से बिजली नहीं है। इसी तरह बरमसिया एक पंचायत के चरघरा में ट्रांसफार्मर खराब होने से कई माह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 18 और 19 में बिजली की तार के चपेट में आकर कई गांवों में कई मवेशियों की मौत हुई, लेकिन मुआवजे के लिए आवेदन अभी तक लंबित है। इतना समय बीत जाने के बाद भी मवेशी मालिकों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने इन मामलों पर तत्काल निदान की मांग की है। आज गिरिडीह जिले के डांडी स्थित पावर हाउस में एक विरोध प्रदर्शन किया गया है माले की तरफ से, और पूरे गिरिडीह में जो बिजली की जर्जर स्थिति है, उस स्थिति की सुचारू व्यवस्था कर जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, तारों की जो जर्जर स्थिति है, उसे बहुत जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की गई है। और बिजली विभाग से हम ये मांग करते हैं कि जो आवेदन हम लोगों ने उनको दिया है, उसके ऊपर वो जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसका निदान करें। अभी बिजली समस्या को लेकर डांडी बिजली ऑफिस जो हम लोग आए थे भाकपा माले की तरफ से, और शहरी क्षेत्र हो चाहे मुफस्सिल क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे पीरटाड़ के क्षेत्र में हो, ट्रांसफार्मर नहीं है, जर्जर अवस्था में तार है और कई हादसा होते रहता है, उसी को लेकर हम लोग भाकपा माले के पहले से आवेदन देकर यहाँ पे हम लोग आज घेरा किए थे। आज डांडी स्थित बिजली विभाग के ESC के कार्यालय के समक्ष भाकपा माले ने एक धरना प्रदर्शन करके और कई तरह के सवाल हैं जिसको हम लोगों ने रखा है, और इसके बाद ESC ने हम लोगों से फ़ोन पर बात करके तमाम एक एक बिंदुओं पर बात हम लोगों की सुनी गई है, और जो यहाँ एक्सिक्यूटिव साउथ डिवीज़न के एक्सिक्यूटिव ने हम लोगों का आवेदन भी रिसीव किया है। इसमें कई मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है, जैसे कुछ एक गांव है जहां 4 साल से बिजली नहीं है, गांडे का जबरदहा गांव है, उसका टोला बरमसिया, वहां 4 साल से लाइन नहीं है। इसी तरह से गांडे के ही चरघरा में भी बिजली, वहां ट्रांसफार्मर जलने के खराब है के कारण वहां बिजली बाधित है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।